माननीय स्मृति जी ने पिछली बार लोकतंत्र की स्थापना की, और आज बताइए ना, हिम्मत नहीं पड़ रही कांग्रेस के लोग यहाँ से भागे, वो तो केरल तक पहुंचे और केरल से भाग करके और वापस नहीं आना चाहते, ना यहाँ रहना चाहते ना वहाँ रहना चाहते, पता नहीं कहाँ जाएंगे। जो भी आएगा माननीय स्मृति जी के सामने कोई टिकने वाला। अरविंद केजरीवाल तो बड़ी लोकतंत्र की पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उनकी पत्नी को आगे क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो अमेठी में कर दिखाया था वो छिंदवाड़ा में कर दिखाएंगे। ज्यादा मजा किससे आएगा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी? अरे किसी में दम नहीं है, पिछली बार एक भाग के गए, दूसरा आ जाए वो भी भागेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश पहुंचे और उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा में जिस पर ध्यान पूरे देश का है, देश के चुनावों में देश की सबसे बड़ी अगर सत्ता का संग्राम कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में, और अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन के लिए मोहन यादव जी मौजूद हैं। हम उन्हीं की गाड़ी में, उन्हीं के काफिले में हैं और अब सीधा बातचीत की मैं शुरुआत करता हूं। सर, उत्तर प्रदेश में स्वागत तो नहीं कहूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले भी आपका आना हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि आपके विरोधी, आपके विपक्षी खूब स्वागत करते हैं और खास तौर पर ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आकर क्या साधना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मेरी पार्टी का काम करना है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर वन देश जब मोदी जी बनाने निकले हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि मतदाताओं को भाजपा के साथ करें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें। और अमेठी जैसी जगह, यहाँ तो हमको मालूम है कि राज परिवार का कब्जा था एक तरह से, एक राज परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोकल नेतृत्व को दबाना चाहता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सच्चे अर्थों में माननीय स्मृति जी ने पिछली बार लोकतंत्र की स्थापना की, कोई भी कहीं से भी लड़के खड़ा होकर जीत सकता है। और ये जो मिथक बनता था कि राज परिवार एक तथाकथित जो कभी हारता नहीं था, वो यहाँ से भाग करके गए और अभी उनके पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या करने वाले हैं। ये डर, अभी डर के मारे उनकी स्थिति बहुत खराब है। आप जिनके बारे में इशारा कर रहे हैं सर, ढेर सारी खबरें ये हैं कि नामांकन के ठीक बाद, जब स्मृति जी का नामांकन हो जाएगा उसके ठीक बाद गांधी परिवार की ओर से कोई उम्मीदवार अमेठी से, उनकी घोषणा हो सकती है। वो राहुल गांधी भी हो सकते हैं, वो प्रियंका गांधी भी हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई कैसी होगी दोनों ही परिपेक्ष में? देखिए, भाजपा के सिपाही डरते नहीं है और स्मृति बहन हमारी पिछली बार धूल चटा चुकी है। अब ये बाद में भरे या पहले भरे, जब भरना हो तब भरे। भाजपा ने अपनी खुले आम जनता के बीच की लोकप्रियता सिद्ध की है पिछली बार का चुनाव जिता करके। और ये वायनाड के नॉमिनेशन फॉर्म के वोटिंग तक का क्यों इंतजार करते रहिए? अगर हिम्मत थी तो पहले आके बता देते कि हम पर्ना भरने वाले हैं। अभी भी हाँ करे ना करे, हाँ करे ना करे, लेकिन कह तो रही है, इनका मुद्दा है। जो भी आएगा माननीय स्मृति जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं। राहुल जी के बारे में आप कह दिए, लेकिन अगर प्रियंका गांधी आती हैं, लोग कहते हैं कि उनका सियासी लॉन्च होना बतौर उम्मीदवार वो अभी तक बाकी है, अगर वो आती हैं तो क्या समीकरण कुछ बदलेंगे सर? देखिए, मैंने फिर कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ते हैं, और स्मृति जी ने तो इतना काम किया है यहाँ अमेठी में, कोई आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ये देखिए जो आप अभी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मेरा अगला सवाल भी यही था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आपको यहाँ इसलिए भेजा जा रहा है कि एक खास वोट बैंक पर, और बहुत साफ कहूं तो यादव वोट बैंक पर, भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्या ये समीकरण है? और इसलिए पूछ रहा हूं सर, आप आजमगढ़ भी होकर आए, वहां से भी वो सांसदी लड़ चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य वहां से अभी भी सांसदी लड़ रहे हैं, वहां पर भी ये बात कही गई थी और आपको बखूबी पता होगा, भले आप कह लें, लेकिन खबरें खूब आप पढ़ते हैं, हमको ये पता है, अखबार खूब आप पढ़ते हैं, हमको ये भी पता है, आपने पढ़ा होगा कि अखिलेश जी ने क्या कहा था आपके पिछले दौरे पर और अब। कोई क्या कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं हाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई मेरे समाज को भी बताता हूँ, देश को भी बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बजाय कोई एक परिवार के आधार पर ही उसी परिवार में से वंशवरगत मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, इसके बजाय किसी को भी मौका देती, मेरे जैसे परिवार वालों को मौका देती है। जैसे मेरे पिताजी को सांसद नहीं रहे, मेरे भाई कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री हमारे घर से कभी बना नहीं है, लेकिन किसी को भी बना करके उनको इस तरह से पार्टी सम्मान देती है, ये तो बड़े गौरव की बात है ना। और यही पूरे देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। आजादी के पहले इसी बात के लिए तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी का सपना देखा था, भाई हमारे यहाँ जनता की लड़ाई जनता लड़े, और जनता में से कोई भी लड़ सकता है, कोई भी चुना जा सकता है, तो क्यों कोई एक परिवार पर सीमित हो रहा है? ये जो मूल मुद्दा है, तथाकथित परिवारवादी भाव का, इसी परिवारवादी भाव से तो हमारी लड़ाई है। यादव जी,
उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव दोनों राज्यों में आपके बराबर कार्यक्रम लगे हैं और ये कहा जा रहा है और कई विश्लेषक ये मानते हैं कि रणनीति ये है कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव के पास अपने समाज का वोट बैंक है और बिहार में जो तेजस्वी यादव के पास है आपके जरिए आपको एक बड़ा चेहरा बनाकर और इसलिए देश के दो बड़े सियासी राज्यों में आपके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं उस वोट बैंक तक भाजपा पहुंचे। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं 7 राज्यों में जा रहा हूं, दो राज्यों में नहीं जा रहा और वो भी मेरे राज्य के चुनाव कराने के बाद। मेरे राज्य में मैं सौभाग्यशाली हूं कि बाबूलाल जी गौर के परिवार में कोई विधायक मंत्री नहीं था, वो भी प्रतापगढ़ यूपी से गए थे, भोपाल बसे, बाद में मुख्यमंत्री बने, मंत्री वर्षों रहे। मेरे परिवार में मैं भी पुराना आजमगढ़ का निवासी हूं, बाद में मध्य प्रदेश बिहार होते हुए हमारे परिवार पहुंचा और आज हम वहां से अपनी जिंदगी तुड़े हैं। तो हमारे लोगों के पीछे बात जाना चाहिए कि जिसमें क्षमता योग्यता होगी भाजपा से जुड़े, यहाँ किसी एक परिवार का ठेका नहीं है, हर एक का स्वागत है, कोई किसी परिवार से भी आ सकता है। यही बात तो इसका उदाहरण मैं अगर हूँ तो मुझे गर्व है इस बात का और मैं किसी के सामने डंके की चोट बोलना चाहिए तो क्यों नहीं बोलना चाहिए, सबके सामने बोलना चाहिए। और यही जो अभी आपने कह दिया, आप जो अपने रूट्स बताते हैं कि आजमगढ़ से एक रिश्ता है, आजमगढ़ से एक जुड़ाव है, वहां अपने कार्यक्रम किया, वो कई लोगों को तकलीफ भी देता है। किसी को तकलीफ दे उससे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसके लिए तो जवाबदार नहीं हूँ ना। मेरा ससुराल अगर सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो है जो है वो है ना। किसी के बारे में कोई कुछ भी कहे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक चीज आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, हवा का रुख भांप रहे हैं, हाथ से आप अमेठी की हवा की बाट जो हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार और 7 राज्यों जैसा आपने कहा वहां जाएंगे, हवा का रुख क्या कह रहे हैं और थोड़ा सा जिस समुदाय का से आप जुड़े हैं लगातार वहां की तकलीफ परेशानी लोगों ने आपको बताई होगी, और मैंने जो दो नाम लिए क्योंकि ये माना जाता है कि इन दोनों राज्यों में इन जातियों पर इन पार्टियों का प्रतिनिधित्व है, क्या वो तोड़ पाएंगे, वहां क्या फीडबैक है, आपसे लोग मिलते हैं वो क्या कहते हैं? देखिए तो सबके सामने साबित हो गया है, जिस लोकसभा में मैं आया था वर्षों से यहाँ एक ही परिवार का कब्जा था लेकिन जनता ने उखाड़ फेंका कि नहीं फेंका, तो ये इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करेगा निर्वाचन में वो विजय होगा। अमेठी में उदाहरण हुआ इतना बड़ा, और आज बताइए ना, एक हिम्मत नहीं पड़ रही कांग्रेस के लोग यहाँ से भागे, वो तो केरल तक पहुंचे और केरल से भाग करके और वापस ही आना चाहते, ना यहाँ रहना चाहते ना वहां रहना चाहते, पता नहीं कहाँ जाएंगे। अच्छा एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश में जो सियासी विरोधी हैं सर वो आपके दौरों पर बड़ा कमेंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि मोहन यादव जी को लाकर उत्तर प्रदेश भाजपा ये बता रही है कि उनके पास इस वर्ग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इस वर्ग को दिखावा के लिए, इस वर्ग में एक तरीके से एक बाट जो होने के लिए दिखाने के लिए आपको बार बार यहाँ लाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि बताया जा सके कि हमारे पास कोई यादवों में इस तरीके से बड़ा नेता है। देखिए ये इसी बात का जवाब है, हमारे पास तो यहाँ भी अपने चाहे कल्याण सिंह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे योगी जी हो, हर मंत्रिमंडल में हमारे यादव बंधु कोई ना कोई मंत्री रहे हैं और ये यादव बंधु यहाँ मंत्री रहे या किसी और राज्य में मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोग भी आगे क्यों बात नहीं कह सकते। ये बताए ना कि इनके घर के बाहर से कभी इनने मुख्यमंत्री बनाया है को, जो बोलने वाले हैं वो कहे ना कि हाँ हमने दूसरों को मौका दिया, वो क्यों मौका नहीं दे रहे, और वो क्या उनका पूरा घमंडिया गठबंधन किसी को मौका नहीं देता है, क्यों नहीं देता मौका, दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल तो बड़ी लोकतंत्र की पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उनकी पत्नी को आगे क्यों कर रहे हैं, ये वही बात आ गई ना जो हर एक दूसरा कर रहा है, ये गए वो आए वो गए वो आए, लेकिन होना परिवार का ही चाहिए, बाहर पे भरोसा नहीं करते। मैं बताऊं अटल जी हमारे प्रदेश से आते थे, आज अटल जी ने देश का प्रतिनिधित्व किया, 50 साल अपोजिशन में रहे, उनका परिवार का कोई वो वंश का कोई अभी कोई हमारी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बना दिख रहा है क्या आपको? माननीय मोदी जी का परिवार का कोई वंश का कोई अभी मंत्रिमंडल में या प्रधानमंत्री का भावी दावेदार दिख रहा है क्या? इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे? मेरे परिवार में मेरे से पहले कोई नहीं रहा था, ये मेरा उदाहरण है कि नहीं? तो लोकतंत्र में जो करके दिखा दिया है वो भाजपा है और जो झूठ बोलते वो बाकी सब है। इतनी साफगोई से आप बात किए, मैंने अंतिम कह दिया था लेकिन एक लालच ये आ गया कि अगर मध्य प्रदेश की बात ना करूं तो बातचीत अधूरी रह जाएगी, चुनाव वहां जैसे आपने कहा आप करा कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनावों में और मध्य प्रदेश में आपको क्या दिख रहा है? वहां तो दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है, भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ बनाकर रखा है मध्य प्रदेश को पिछले लोकसभा चुनावों से, अब तक आपके पास क्या फीडबैक आया सर? दूसरी पार्टी भी नहीं बची, अब तो एक ही पार्टी है। हम 2014 में 27-29 में से जीते थे, 2019 में 28 जीते हैं, इस बार छिंदवाड़ा जो बची दोबारा से लगातार, वो छिंदवाड़ा भी करीब करीब क्योंकि चुनाव हो चुका है,
जो जनता का फीडबैक है वो हम चुनाव जीत चुके हैं। औपचारिक निर्वाचन आयोग जब घोषणा करेगा करेगा, तो ये धीरे धीरे माननीय मोदी जी का जो काम का विश्वास है, भाजपा पे विश्वास है। जैसे आपके यहाँ कभी दो बार पूरी मेजोरिटी सरकार नहीं बन रही थी, दोनों बार सरकार बनी। इतनी बड़ी मेजोरिटी में भाजपा की सरकार मध्यप्रदेश से जैसे निकल के आती है, ऐसे यूपी से इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में कभी मदद नहीं मिली, लेकिन अब आने लगी है। तो ये संकेत दिखा रहा है, कोपले फूट रही है, विश्वास बन रहा है, जड़ जम गई है। और माननीय मोदी जी का जो वर्तमान का विश्व की सर्वाधिक लोकप्रियता की छवि उनकी बनी हुई है, पूरा देश विश्वास करता है और पूरा दुनिया उनको आदर्श देखता है। जो बाकी बची सीट आपने कहा छिंदवाड़ा, उसके लिए क्या खास तैयारी ऐसी की जो आप इतने आश्वस्त हैं कि वो भी इस बार जीत रहे हैं? कुछ नहीं, जो अमेठी में कर दिखाया था वो छिंदवाड़ा में कर दिखाएंगे। अमेठी में वर्षों से एक परिवार का कब्जा था, दूसरा बनने नहीं देते थे। हमने यही बात जनता के बीच रखी, छिंदवाड़ा में सफल हुए, अमेठी में गए बार सफल होंगे। एक और चीज सर, मध्य प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव हुए, जो अब तक मतदान हुआ, हमने एक चीज देखी है वो ये कि मतदान प्रतिशत बड़ा कम रहा 19 के मुकाबले। आपको क्या लग रहा है मतदाता उतनी ज्यादा संख्या में इस बार बाहर क्यों नहीं निकल रहे? देखिए, ये तो चुनाव आयोग इसका जन जागरण के अलग अलग कार्यक्रम कराता है, करता है, हम भी लगे रहते हैं, लेकिन ये कई कारण उसमें से बने। एक कारण ये भी बना है कि विवाह शादियां ज्यादा थी, एक कारण ये था गर्मी ज्यादा थी, एक कटाई का सीजन भी चल रहा था, ऐसे कई कारण थे। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था, कांग्रेस के लोग में निराशा है, कांग्रेस के लोग सामने ही नहीं आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, क्या यही वो लोकप्रियता है कि जो डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के बाहर खास तौर पर, मैं बार बार दो राज्यों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में हमने एक इस वर्ग के नेताओं को उभरते और अपने ही वर्ग की बात करते देखा है, क्या आप वो स्पेस को भरने के लिए, उस स्पेस को वापस लेने के लिए खास तौर पर इन राज्यों में और चुनावों से पहले भी दौरे करते रहे? चेहरे पर आपके भी मुस्कुराहट है सर, लोग देखने के लिए खड़े हैं, आप भी देख रहे हैं, इस बात को आप महसूस कर रहे हैं और फिर हम नामांकन तक पहुंचेंगे। क्या आप उस स्पेस को उन विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने वाला चेहरा है? कोई दूसरे व्यक्तियों के मन में चोर है तो वो डरे तो डरे, हम तो छोड़े चौगान आए, सबके बीच आए, जो है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये मोदी है तो मुमकिन है। ज्यादा मजा किससे आएगा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी? अरे किसी में दम नहीं है, पिछली बार एक भाग के गए, दूसरा आ जाए वो ही भागेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन यादव जी इस पूरी बातचीत को करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो लगातार कह रहे हैं कि अपने प्रदेश में छिंदवाड़ा का मैसेज दिया, बिहार की बात की और उत्तर प्रदेश में वो साफ कह रहे हैं चाहे राहुल गांधी आए चाहे प्रियंका गांधी आए, मुकाबला किससे भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस लंबी बातचीत के लिए, अपना वक्त देने के लिए। अमेठी पहुंचे हैं स्मृति ईरानी के नामांकन में रोड शो पे, उस रैली में वो रहेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस एक वोट बैंक की हम बात करते हैं, सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद, उनका अभिवादन करते हुए अब इन सब का चुनावों पर परिणाम पर क्या फर्क होगा 4 जून को वो भी देखेंगे अपने सहयोगी शामवीर के साथ। उत्कर्ष चतुर्वेदी अमेठी से, अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।